एनटीपीसी सिगरौली में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जहां वक्ताओं ने स्वच्छता के लिए जागरूकता को सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कहा, जहां जागरूकता है वहां सदैव स्वच्छता बनी रहती है। एनटीपीसी सिगरौली शक्तिनगर द्वारा आवासीय परिसर में स्वच्छता संगोष्ठी का आयोजन स्वच्छता पखवाड़े के तहत किया गया। इस अवसर पर संजीवनी चिकित्सालय एनटीपीसी सिगरौली के कर्मचारी विकास केंद्र की स्वच्छता संगोष्ठी में वक्ताओं ने स्वच्छता के लिए जागरूकता को सबसे बड़ा मददगार बताया। स्वच्छता संगोष्ठी में अपर महाप्रबंधक डॉक्टर ए के मिश्रा, डॉक्टर ब्रजलाल, उपाध्याय अमित कुमार और उमाशंकर ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छ जीवन शैली और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने की बात कही। विशेषज्ञों ने तथ्यात्मक एवं सारगर्भित संबोधन देकर सभी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एनटीपीसी सिंगरौली में चित्रकला, वाद विवाद, भाषण, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।